अकबर बादशाह दरबार लगाकर बैठे थे, तभी राघव और केशव नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही आम के पेड़ का असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूँकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर अपना दावा नहीं हटाना चाहता था। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असल मालिक राघव है कि केशव है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसा देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री बीरबल की सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ को पकड़ लेते हैं, पर उन्हें साबूत के साथ मामला को साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष झूठा। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं। केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है, पर केशव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुना देती है। केशव बोलता है, हाँ हाँ सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी। वैसे भी चोरों के पास तो आजकल हथियार होते हैं। आदेशानुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की बात सुनकर बीरबल को बताता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त राघव भी अपने घर पर नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर राघव को सुनाती है। राघव आओ देखता है न ताओ, फौरन लाठी उठाता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज़ लगाती रहती है, अरे खाना खा के तो जाओ। राघव जवाब देता है कि खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ आम से चोरी हो गए तो वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेशानुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देते हैं। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है और बीरबल रात को किए हुए परीक्षण का वृतांत बादशाह अकबर को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। सच ही तो कहा गया है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है उसे उसकी परवाह अधिक होती है। ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को धोखा ना दें। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।